सीतारमण ने दक्षिण कोरियाई समकक्ष से की मुलाकात, भारत में निवेश के अवसरों पर व्यापक चर्चा। बद्रीनाथ हाईवे पर भयानक हादसा, श्रद्धालुओं के सामने गिरा पहाड़। नवजोत सिंह सिद्धू को वापस मिलेगी जेड प्लस सिक्योरिटी, आज कोर्ट में जवाब पेश करेगी पंजाब सरकार। पहले चरण में आसान थी बीजेपी की राह, अब होगी असली परीक्षा, कई मेयर सीटों पर मिलेगी चुनौती। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की कार की चपेट में आने से युवक की मौत, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। अतीक अशरफ की हत्या के बाद अब अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर ओबीसी ने उठाए सवाल। पशुपालन घोटाले में पूर्व आईपीएस अरविंद सेन को 27 महीने बाद मिली जमानत। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता चरणजीत सिंह अटवाल, भाजपा में शामिल जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज को झटका, पाला बदलने जा रही पूर्व मंत्री दीपक जोशी। जयशंकर से मुलाकात के बाद बोले चीनी विदेश मंत्री, भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर, एलएसी पर शांति जरूरी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।